मन मना भव मेरे मन में समा जा। अर्थात जो परम ब्रह्म टाइटलधारी है वो कौन है? प्रजापिता संपन्न स्टेज में या अधूरी स्टेज में है? अच्छा, अधूरी स्टेज में ब्रह्मा नहीं है। अरे वो ब्रह्म है या नहीं है? ब्रह्मा है या नहीं है? और ब्रह्मा अधूरा होता है या संपूर्ण होता है? हैं? अधूरा होता है। लेकिन जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उन ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी है या नहीं है? है? तो परम पार्टधारी जो है उसके वाइब्रेशन में अगर हम डूब जाएंगे, मना मन मना भव हुए या नहीं हुए? हैं? बस मन मना भव हुए। जो भी मन मना भव हैं उनको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? जो साकार में निराकार आया हुआ है उसके संग का रंग तो लगेगा ना। तो जैसी उसकी स्थिति होगी वैसी हमारी भी स्थिति बनेगी, स्टेज बनेगी। तो उसका वाइब्रेशन जो फाइनल है, फाइनल परीक्षा के बाद वो क्या होगा? अभी विचारी होगा 100% या नहीं होगा? हैं? अब भी विचारी होगा। और वो जो अब भी विचारी वाइब्रेशन है वो ही नई सृष्टि का फाउंडेशन डालेगा, संपूर्ण नई सृष्टि, जिसे कहते हैं संपूर्ण सतयुग। उस सतयुग के पहले जन्म में किसका जन्म होगा? राधा कृष्ण का जन्म होगा ना। जो राधा कृष्ण का जन्म होगा वो गिरती कला से होगा या चढ़ती कला से होगा? उसे कहेंगे चढ़ती कला। तेरे बहाने सारी सृष्टि जो भी आने वाली है रंगमंच पर, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबका क्या होना है? जब भी आएंगी तो पहले पहले जब इस सृष्टि पर आएंगी तो भले रूप में आएंगी या बुरे रूप में आएंगी? भले रूप में आएंगी। इसलिए बताया ये काम महाशत्रु है। क्या? कौन सी कामना महाशत्रु है? हैं? कृष्ण की इच्छा होती है राधा को देखने की, और राधा की इच्छा होती है कृष्ण को देखने की। तो ये इच्छा, इसको विविचारी इच्छा कहेंगे, अभिविचारी कहेंगे? हैं? अभिविचारी इच्छा है। लेकिन इंद्रियों तक सीमित है। इंद्रियों से जो ऊपर है, क्या क्या है इंद्रियों से ऊपर? अरे इंद्रियों से ऊपर एक स्लोगन दिया है, वो क्या है? बाबा ने मुरली में वो स्लोगन दिया है योगियों के लिए, हैं? स्लोगन दिया है इच्छा मात्रम अविद्या। क्या? कोई इच्छा नहीं सिवाय मनमना भव के। क्या? आंखों से भी सुख लेने की कोई इच्छा नहीं। आंखें भी देह का अंग है या नहीं है? है? देह का अंग है ना। तो कोई इच्छा नहीं
न देह का सुख, न देह की इंद्रियों का सुख, न देह की श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख, न भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, न देह के पदार्थों का युग सुख, न देह के संबंधियों का कोई सुख। ऐसी श्रेष्ठ जब इच्छा होती है तो उसको इच्छा कहेंगे है? कि इच्छा मात्र अविद्या कहेंगे? अरे इच्छा तो इच्छा है, इच्छा माने कामना, कामना माने काम। अब कामना श्रेष्ठ हो या कामना भ्रष्ट हो, तो ये 5000 वर्ष की जो सृष्टि है, इस सृष्टि में इंद्रियों के द्वारा जो भी कामना की जाती है वो कामना नीचे उतारती है, और नीचे उतारने वाली कामना को भी असली कामना श्रीमत के अनुकूल नहीं कहेंगे। क्यों है? क्योंकि वो कामना भी देह का अंग जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आंखें हैं उनका सुख भोगने की कामना है, तो इच्छा मात्र अविद्या हुई है? नहीं हुई। और पुरुषोत्तम संगम युगी जो दुनिया है, ब्राह्मण सो देवताओं की दुनिया, उसमें जो नई सृष्टि तैयार होती है, जिस नई सृष्टि में सब अमर होंगे या मरने वाले होंगे, कैसे? हाँ, उस वाइब्रेशन में जिनका ज्ञान में जन्म होगा, बाप को जो पहचानेंगे वो मृत्यु को अर्थात अनिश्चय को प्राप्त ही नहीं होंगे। क्या दुनिया बदल जाएगी लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगी। अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे तो उनको अमर कहेंगे या मरने वाला कहेंगे? अमर होगी। और वो अमर किससे अमर बनते हैं? वो अमर बनते हैं तो किसी के द्वारा बनते हैं या नहीं बनते हैं? अमरनाथ के द्वारा अमर बनते हैं। जो अमरनाथ का वाइब्रेशन है वो शिव समान होगा या कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्मा के समान होगा? शिव समान होगा। शिव का जो संकल्प है, 1936 में जब आया था या नहीं आया था, तो कुछ संकल्प लेके आया था। क्या संकल्प लेके आया था हैं? क्या संकल्प लेकर आया था? हाँ, 100% अव्यभिचारी दुनिया की स्थापना करके जाना है। तो ये संकल्प हमारा सबका हो, ऐसा संकल्प धारण करने वाले प्रैक्टिकल में कितने होंगे? प्रैक्टिकल में संकल्प 9 लाख? 9 लाख को तो शरीर ही नहीं होगा है? हाँ, 4.5 लाख होंगे। 4.5 लाख जो होंगे उनका पक्का संकल्प होगा क्या? कि हमारे द्वारा ऐसे संकल्प की प्रैक्टिस की जाए, हो जाए सदा काल के लिए, जो मन एकाग्र हो जाए। जैसे दीपक है,
उसमें हवा नहीं लगती है, एकदम बंद कमरे में रख दिया जाए तो हिलेगा डुलेगा? लाओ, उसकी ज्योति हिलेगी डुलेगी? और बाहर वातावरण में रख दिया जाए, क्यों? मन से प्रभावित होना, मन एकाग्र नहीं है। जो भी मनधारी हैं उनसे प्रभावित होना। अच्छा, आमन कौन है? हैं? हाँ, शिव तो है, शिव तो परमधाम में भी अमन है, वहां तो सारी आत्माएं अमन होती हैं, वहां संकल्प चलते हैं क्या? नहीं। शिव इस सृष्टि पर आता है तो भी अमन है या मन उसका डिस्टर्ब होता है? है? पक्का संकल्प है ना कि किसी से डिस्टर्ब हो जाता है? है? नहीं होता। ऐसा ही मन कोई दूसरी आत्मा भी है जो शिव समान हो जाए, है? शंकर, तो कहेंगे साकार में निराकार संपन्न स्टेज। जो शिव की स्टेज इस सृष्टि पर आकर सदाकाल की होती है, वही स्टेज दोनों आत्माओं की दिखाई दे, साकार और निराकार की भी, तब ऐसी दुनिया तैयार होती है जहां विषय का कोई नाम निशान नहीं होगा, इच्छा मात्रम अविद्या। इन बातों को बाहर की दुनिया वाले नहीं जानते हैं कि वहां कैसे पैदा होते हैं, कहां हैं, कैसे पैदा होते हैं और कहां पैदा होते हैं? सतयुग में हैं? अच्छा, बाहर की दुनिया वाले माने बी के वाले बाहर की दुनिया वाले हैं या अंदर की दुनिया वाले? वो जानते हैं कि नई सृष्टि की पैदाइश कैसे होगी? वो तो कह देते हैं कि ऊपर से आत्माएं आएंगी, स्टार आएंगे और नीचे आकर प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। ऐसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं होता। महिमा भी देखो कितनी करते हैं, किसकी है? देवताओं की महिमा क्या करते हैं, और देवताओं में अव्वल नंबर महिमा किसकी करते हैं? कृष्ण की महिमा करते हैं ना। क्या करते हैं महिमा? हैं? श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो विकार से जन्म लेते हैं। कौन है? सतयुग का श्री कृष्ण या पुरुषोत्तम संगम युग का श्री कृष्ण है? कौन इंद्रिय की विकृतियों से पैदा होता है? संगम भी कृष्ण अपने पुरुषार्थी जीवन में इंद्रियों का उपयोग करता है? नहीं। संगम भी कृष्ण करता है या सतयुग का कृष्ण करता है? सतयुग कृष्ण करेगा इंद्रियों का उपयोग, इंद्रियों से सुख लेने का, लेकिन उसे विकारी नहीं कहेंगे। क्या? विपरीत कार्य करने वाला नहीं कहेंगे। क्यों?
क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करता है और वो श्रेष्ठ इंद्रियां भी व्यभिचारी नहीं बनती हैं। तो देखो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि वो विकार से जन्म लिया, विकार से इतने जन्म लेते हैं। जो विकार से जन्म लेते हैं वे माने विपरीत, कार माने कार्य। जो श्रीमत का कार्य है, श्रीमत क्या है, हैं? अरे कोई श्रीमत है? सृष्टि परिक्रिया के बारे में कोई श्रीमत है भगवान बाप की? अरे न दुख दो न दुख लो, क्या कोई भी इंद्रिय हो लेकिन उस इंद्रिय से न दुख दो और न दुख लो। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दुख देने वाला अंग कौन सा हो गया है? काम विकार। अच्छा, जो विभिचारी आंखें होती हैं वो दुखदाई नहीं होती है, हैं? होती हैं या नहीं होती हैं? विभिचारी होती हैं या अविभिचारी होती हैं? हैं? विभिचारी आंखें, आंखें सबसे ज्यादा पतित बनती हैं और आंखें ही सबसे जास्ती पावन बनती हैं। मुरली में बोला, तुम बच्चे 10, 20, 50 भूले रोज करते होंगे, काउंट नहीं करते हो क्या? जिस समय भूल करते हो, अज्ञान में भूल तो कर लेते हो, बाद में पता चलता है ये हमारी भूल है। क्या भूल है, हैं? आंखों से क्या भूल होती है? हमने किसी को देखा, हैं? अरे देखा तो भूल हो गई। अरे अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा तो भूल हो गई, भूल हो गई, हैं? अरे देखने मात्र से भूल होती है? नहीं, गीत तो बनाए दिए हैं, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, बदल गई है जिंदगी की रेखा। तो ये सुख का काम हुआ या दुख का काम हुआ, हैं? ये तो सुख देने की बात है और वो सदा काल का सुखदाई एक ही शिव बाबा है और दुनिया में कोई नहीं है, एक शिव बाबा दूसरा नहीं। तो बताया कि जो सतयुग त्रेता में जन्म होते हैं वो विकार से नहीं होते, निर्विकारी या विविचारी वृत्ति से होते हैं। उनकी महिमा होती है भक्ति मार्ग में, ऐसे कर्म करने वालों की पूजा भी होती है। तो उनकी देखो कितनी महिमा है और वो गाए भी जाते हैं। क्या कहा, हैं? कौन गाए जाते हैं, हैं? बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, क्या बात है, धड़ाक से नहीं बोलते, हैं? किन की महिमा गाई जाती है, हैं? श्री कृष्ण की। बाकी सतयुग त्रेता के कोई देवताओं की महिमा नहीं गाई जाती, हैं? कृष्ण ही श्रेष्ठ है, लक्ष्मी नारायण ही श्रेष्ठ हैं, और सतयुग में जो आत्माएं जन्म लेती हैं वो नहीं, कृष्ण समान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो 16 कला संपूर्ण नहीं होंगे, हैं? नहीं होंगे, होंगे
तो उनकी महिमा नहीं है, उनकी महिमा है ना। लेकिन गायन पूजन किस युग का है? है संगम युग का गायन पूजन है या सतयुग त्रेता का गायन पूजन है? संगम युग का गायन पूजन है, वो गाए जाते हैं, वो है ही पवित्र दुनिया, पावन दुनिया। उनमें पतित कहां से आए? तो कोई को मालूम नहीं है कि ये रावण की राजधानी द्वापर से शुरू होती है। क्या कहा? कहां से शुरू होती है? द्वैतवादी युग से शुरू होती है। जो अद्वैत युग है, जहां एक को मानते हैं, एक का राज्य चलता है, एक की ही भाषा चलती है, एक का ही कुल चलता है, एक की ही धारणाएं रूपी धर्म चलता है, हैं? वो दुनिया श्रेष्ठते श्रेष्ठ है, वो राजधानी भी श्रेष्ठते श्रेष्ठ राजधानी। ये रावण रूपी पांच विकारों रूपी माया सतयुग त्रेता में होती ही नहीं। ये भी बैठ करके अगर कोई किसको समझाए तो भी उनकी बुद्धि में बैठे, बैठ करके समझाए, खड़े होके समझाएगा तो नहीं बैठेगा। हैं? हैं? अरे बैठ करके ज्यादा स्थिरता आती है या खड़े होने से ज्यादा स्थिरता आती है? हैं? बैठ जाए तो बाप बैठ समझाते हैं। क्या आता है मुर्री में? हैं? बाप लेट करके नहीं समझाते, बाप बैठ कर समझाते हैं, माने अच्छी तरह प्रवेशता हो जाती है। तो बुद्धि एकाग्र हो जाए तो उनकी बुद्धि में बैठे। तुम बच्चों के पास समझाने के लिए मीठी मीठी बातें बहुत हैं, क्या जो भी बातें हैं तुम्हारी बहुत मीठी मीठी बातें हैं, सिकीर दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा चलो बच्चे आज क्या भोग है? किसने कहा? हैं? ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये भोग वासना ज्यादा किसको याद आती है? भोक्ता को या भोक्ता को? भोक्ता को भोग वासना जास्ते याद आती है। तो बताओ इस दुनिया में जो भी 500-700 करोड़ आत्माएं हैं उनमें बड़े से बड़ा भोक्ता अव्वल नंबर का कौन है? अरे कोई होगा या नहीं होगा? कौन है? हाँ, अव्वल नंबर का भोक्ता क्यों कहा? अव्वल नंबर का भोगी क्यों कहा? अरे हाँ, सतयुग आदि होता है, कृष्ण का जन्म होता है, कृष्ण बड़ा होता है, तो इंद्रियों से सुख लेने का उपक्रम करता है या नहीं करता है? कौन करता है इस दुनिया में? सबसे पहले कौन करता है? हैं? ब्रह्मा की सोल करती है, या ये कहें राम की सोल करती है? हैं? नहीं। अच्छा चलो बच्चे क्या भोग है? सिर्फ भोग है इतने से ही काम नहीं चल रहा है, है? क्या क्या भोग है बच्चे समझते होंगे? ये कितनी गुह्य बातें हैं। क्या हैं? क्या गुह्य बातें हैं?
ये भोग भोग की बातें करना क्या भोग है, ये गुही बातें हैं है? अरे ये गहरी बातें हैं, ये दुनियावी साधारण बातें हैं है? कैसे है? अरे भोग सिर्फ खाने पीने का भोग थोड़ा ही होता है, है? ये तो जीव का भोग हो गया, इंद्रियों से भी भोग भोगे जाते हैं कि नहीं? नहीं भोगे जाते है? सेवा भोक्ता कहा जाता है तो सिर्फ खाना पीना खाने के लिए है कहा जाता है, नहीं? सेवा भोक्ता इसलिए कहा जाता है कि उसकी तो पूजा होती है लिंग के रूप में, क्या? जो काम विकार की इंद्रिय है जिसे जीतना बहुत मुश्किल है, उसी इंद्रिय को कोई साकार तन में आकर के जीत लेता है, जीतना सिखाए देता है। तो देखो कितनी गुह्य बातें हैं, क्या? ये भोग की याद आना और क्या भोग है वो याद आना, ये गुह्य बात है या साधारण बात है? गुह्य कैसे? अरे बेहद के रूप में देखें तो गुह्य बात हो गई, बताना तो एक ही बात है, पर ये बात ना बतावें तो क्या बतावें? अगर वो चीज बतावे तो कोई बोलेंगे डा 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 डा, क्या ये यहां पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं, ये भला आया होगा, शिव जयंती आई होगी, उसका मंदिर कहां है, हैं? कहां है मंदिर भला, वो तो बताओ कहां है मंदिर, अरे है या नहीं है, कहां है, है? अरे मंदिर माने यादगार, वो मंदिर है या नहीं है, कहां है? बीके सेंटर, बीके सेंटर मंदिर है शिव बाबा का है? पहला मंदिर कौन है? सोमनाथ मंदिर है, नाम क्या दिया? सोम माने चंद्रमा, नाथ माने स्वामी, माना जो चंद्रमा रूपी बैल को भी नाथ डाल दे, नथनिया डालते हैं ना, कौन किसको नथनिया डालता है, हैं? अरे भक्ति मार्ग में प्रथा चलती है क्या, नथनिया डालने की प्रथा चलती है या नहीं चलती है? अरे चलती है, कौन डालते हैं नथनिया, हैं? और क्यों डालते हैं? अरे ये यादगार है, कहां की? संगम युग की, संगम युग में जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाले हैं वो कौन है? राम और कृष्ण, तो वो कृष्ण वाली आत्मा जगदम्बा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है, हैं? और जगदम्बा जो पार्ट बजाती है कंट्रोल से बाहर होकर के पार्ट बजाती है, क्या पार्ट बजाती है? मारा मार मारा मार मारा मार। तो शिव बाबा क्या ये सिखाते हैं, हैं? तो कंट्रोल कौन करता है,
जगदम्बा जिसकी पूजा होती है उसमें पार्ट कौन बजाता है? तामसी जीवन में वो पार्ट बजाता है प्रवेश करके। जगदम्बा महाकाली बनती है तो उसके मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, वो चंद्रमा के प्रवेश करने की यादगार है। उसको कंट्रोल कौन करता है? हैं? ब्रह्मा करता है कंट्रोल। कंट्रोल ब्रह्मा करता है, मन रूपी ब्रह्मा उसमें प्रवेश करके कंट्रोल करता है कि और ही मारकाट मचाता है। कौन करता है कंट्रोल? हैं? जगत पिता। तो दुनिया में ये परंपरा चल पड़ी क्या, स्त्री पुरुष को नथनिया नहीं पहनाती। कौन किसको पहनाता है? पुरुष जो है स्त्री को नाथ डाल देती है, नथनिया डाल देती है। कहां से परंपरा शुरू हुई? हैं? संगमयुग से परंपरा शुरू हुई। तो देखो वो मंदिर कहां है जो शिव जयंती आई, कहां है वो मंदिर? अरे अरे शिव जयंती आई, कभी आई होगी प्रैक्टिकल में या नहीं? नहीं आई। आई तो वो मंदिर कहां है? हैं? हाँ, गुजरात में है। क्या नाम दिया? गुजरात। हद का गुजरात की बेहद का गुजरात? जो बेहद का गुजरात है, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई, जो सागर के किनारे है। क्या? ज्ञान सागर के किनारे है। तो देखो उसका मंदिर कभी है, अभी है, अभी है। मंदिर नहीं है ये, कभी क्या है? गड़बड़ हो जावे एकदम। क्या अगर कोई नहीं समझा सकता है तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाए। कितनी मुश्किलात है समझाने की, है ना? गड़बड़ की बात माना, ये किसने बोला? ये किसने बोला गड़बड़ की बात है? हैं? शिव बाबा जो कुछ बोलते हैं किससे बोलते हैं? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, ये बीच में सुन लेता है, सुन भी लेता है और फिर इंटरफियर करता है या नहीं करता है? इंटरफियर भी करता है, सुन लेता है, समझता नहीं है और न समझने के कारण फिर इंटरफियर करता है। तो बोला ये गड़बड़ की बात है ना। क्या कितनी मुश्किलात है, किसने बोले ये वाक्य? हैं? शिव ने बोले? नहीं, किसने बोले? ब्रह्मा की आत्मा बोलती है। अच्छा, ओम शांति। सत्युग में सत्यमेव जयते, झंडे में लिखा होता है या दो अशोक की लाठ है, तीन शेर जहां दिखाए जाते हैं, क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। तो वहां तो तीन शेर दिखाए हैं, तीन सत्य होंगे 100%
आखिरी या तीन में से एक ही सत्य होगा। झंडे में भी तीन रंग हैं, तीन प्रकार के कपड़े हैं। कपड़े माने शरीर रूपी वस्त्र, तीन प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र पार्टधारी। एक है केसरिया ऊपर, बीच में है सफेद। ब्रह्मासु क्या बनता है? विष्णु संपन्न सतो प्रधान। और नीचे है हरा रंग। कहते हैं कि जो अंधा होता है श्रावण के महीने में, उसने अपनी जिंदगी में अंत समय में श्रावण के महीने में चारों ओर क्या देखा है? हरियाली देखी। तो अंत मते सोगते हो गई। वो अंधे को क्या दिखाई पड़ता है? हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौरव संप्रदाय का मुखिया कौन माना जाता है? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया और राष्ट्र माने धन संपत्ति। इसी यज्ञ में ब्राह्मणों की दुनिया के आदि में, ब्राह्मणों की दुनिया का जब बंटवारा हुआ तो ब्राह्मणों की दुनिया की सारी धन संपत्ति धर के कौन बैठ गया? कौन मुखिया बनकर के बैठ गया है? ब्रह्मा। और वो अज्ञानता के मुखिया बने या ज्ञान के मुखिया बने? ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है। चंद्रमा को रोशनी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। आदि में भी उनको जो ज्ञान की रोशनी मिली, भले उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन किससे रोशनी मिली है? सूर्य से रोशनी मिली। तो वो आत्मा यज्ञ के आदि की सारी धन संपत्ति धर के बैठ गया। यज्ञ के आदि में ब्राह्मणों की दुनिया का जो भी वर्चस्व है वो सन 47 में किसके हाथ में आ गया है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के हाथ में आ गया। तो कौरवों की दुनिया का अधिपति कौन हुआ? अरे महाभारत में क्या नाम है? धृतराष्ट्र। राष्ट्र माने धन संपत्ति, सारी धन संपत्ति को धर के बैठ गया। क्या? अरे सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या होती है? हाँ ज्ञान तो है, लेकिन इस दुनिया में भी सबसे बड़ी धन संपत्ति क्या है? है प्योरिटी। सन्यासियों का दूसरा नाम दिया है हिरण्यकश्यप। क्या नाम दिया है? हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं उनके पवित्रता रूपी तेज को पीने वाला, वो उस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धन संपत्ति को अपने कंट्रोल में धर करके बैठ गया। वो संपत्ति कहां से अर्जित की? वो संपत्ति कहां से आई? वो संपत्ति किसने अर्जन की? मुरली में बोला है इतनी इतनी रानियों को भगाया। ये सारी कथा कहानी किसकी है? प्रजापिता की।
और धर के कौन बैठ गया? कैसे ये कैसे संभव हो सकता है? यज्ञ के आदि में जो बाबा ने बोला है कि स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई, झगड़ा शुरू हो गया। उस झगड़ा कहो विनाश ज्वाला कहो उसके निमित्त कौन बना? पहला नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा भी कौन है? ब्रह्मा स्त्री चोले वाला या ब्रह्मा पुरुष चोले वाला? कौन निमित्त बना पहले है? अरे दो थे ब्रह्मा तो उनमें मूल निमित्त कौन? चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे देवासुर संग्राम हो, लड़ाई के निमित्त कौन बनता है? पुरुष या स्त्री? स्त्री निमित्त बनी। इसलिए बोला निमित्त कौन बने? ब्रह्मा, बाप और ब्राह्मण बच्चे। उन ब्राह्मण बच्चों में ब्रह्मा की आत्मा भी आ गई। यज्ञ के आदि में ही झगड़ा शुरू हो गया स्थापना के साथ साथ। और झगड़ा का मूल कारण क्या होता है? ऐसी कौन सी प्योरिटी की बात होती है जिसे झगड़ा शुरू हो गया? क्या पॉइंट था? है क्या पवित्रता की क्या बात है? पवित्रता से तो संगठन बनना चाहिए या बिगड़ना चाहिए? वो पवित्रता की कौन सी बात थी जो आदि में भी वही बात थी और अभी अंत में भी ब्राह्मणों की दुनिया में वही बात के कारण दो छेड़े हुए पड़े हैं और झगड़ा हुआ है? वो बात क्या है? वो प्योरिटी इम्प्योरिटी की कौन सी बात है? कौन सा पॉइंट है जिसके आधार पर झगड़ा खड़ा हो गया? हाँ तो आदि में एक कौन था जिससे पवित्रता हो रही थी? हाँ पवित्रता या संगठन जो बन रहा था यज्ञ के आदि में, फाउंडेशन पड़ रहा था स्थापना का, वो एक प्रजापिता के कंट्रोल में रहने वाले उसके द्वारा संगठन तैयार हो रहा था, स्थापना हो रही थी। और अपवित्रता से क्या होता है? है विनाश होता है। तो अपवित्रता का कौन सा पॉइंट उठ खड़ा हुआ जो जिसने झगड़ा पैदा कर दिया है? क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति? क्या प्रवृत्ति और क्या निवृत्ति? क्या प्रजापिता प्रवृत्ति में था और दूसरी आत्माएं निवृत्ति में थी? है दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो थी उन्होंने अपवित्रता फैलाना शुरू किया। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में ब्राह्मण कुल में आकर के जन्म ले ले, लेकिन फिर भी अंतिम रिजल्ट क्या देगी? वो अंत में फिर भी वैश्या कुल में चली जाएगी।
अब वो चाहे स्त्री हो, इस्लाम धर्म से आई हुई आत्मा, अथवा पुरुष चोले में हो, इस्लाम धर्म से आई हुई आत्मा, कोई है या नहीं है? इस्लाम धर्म की कोई मूल है? कौन है? माया, और उसके साथ लगा हुआ माया रावण, माया, वो माया के लिए अभी अव्यक्तवाणी में बोल दिया कुछ वर्ष पहले, माया तंग आ चुकी है, हिम्मत हार चुकी है, और ये बोलने के कुछ दिनों के बाद ही शरीर छोड़ दिया, स्थूल शरीर छोड़ दिया, तो और ही ज्यादा पावरफुल हो गई या कमजोर हो गई? सूक्ष्म शरीर धारण करने से और ही ज्यादा पावरफुल हो गई। दूसरी बात बोला कि माया जब तंग आ गई, हार गई, तो उसने प्रकृति से हाथ मिला लिया। क्या किया? माया भी बाप की बेटी और प्रकृति भी, जगदम्बा भी बाप की बेटी, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? है? प्रकृति ज्यादा पावरफुल है, और प्रकृति का आधिपत्य करने वाली धरणी ज्यादा पावरफुल है या माया ज्यादा पावरफुल है? है? ज्यादा विनाश कौन करती है? प्रकृति जब तामसी बनती है तो बड़े बड़े भूकंप लाती है, और दुनिया की बहुमंजली इमारतें 100-100 मार, 150-150 मार की जो दुनिया में तैयार हो रही है, बड़े बड़े शहरों में ढेर की ढेर आबादी उन बहुमंजली इमारतों में बसी पड़ी है, जब ऐसे भूकंप आते हैं तो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने लग पड़ते हैं। तो सबसे ज्यादा विनाश माया करती है या प्रकृति करती है? ऐसी पावरफुल प्रकृति, प्रमाणे प्रकष्ट, कृति माने रचना, बाप की प्रकष्ट रचना जो प्रकृति है, उससे माया ने हाथ मिला लिया। क्या माया? वो भी जानती है। क्या जानती है? ये जो बाप का पार्टधारी है, ये मेरा भी पति है। क्या मेरा भी पति है? तो क्या कहा जाता है उसको? मायापति। और प्रकृति का भी, प्रकृति पति भी है, लेकिन बाप किससे लड़ाई लड़ता है और किसको योगदान देता है? है? अरे माया की और प्रकृति की बात हो रही है, इन दोनों के बीच में बाप किससे युद्ध करता है और बच्चों से कराता है, और किसको योगदान देता है और दिलवाता है? है? प्रकृति को योगदान देता है, दिलवाता है, क्योंकि बाप जानता है कि प्रकृति जड़त्व में ही बुद्धि वाली है। क्या ज्यादा समझती नहीं है बाप की गहराई को? अगर इतनी समझदार होती तो बाप को पहचानती या भूलती? पहचान लेती, भूलती नहीं, छोड़ती नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकृति, हाँ, एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने का, और एक ज्ञान होता है जीवन में धारण करने का।
तो रावण कौन सा ज्ञान धारण करता है? सुनने सुनाने का ज्ञान धारण करता है। तो रावण को तुम ज्ञानी कहेंगे? हैं? वो तो ज्ञानी नहीं है, वो तो बेवकूफ बनाने वाला है पब्लिक को। सुनने सुनाने को ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान को समझ कहा जाता है, समझने और समझाने को ज्ञान कहा जाता है। तो प्रकृति से हाथ मिला लिया किसने? माया बेटी ने, क्योंकि जानती है ये जो प्रकृति है बाप की अब्बल रचना है। क्या? हाँ। और प्रकृति पति है। क्या? बाप प्रकृति पति है तो मायापति भी, लेकिन माया जानती है मैंने अपोजिशन करना शुरू कर दिया सरेआम बाजार, तो है या नहीं है? पति है, मायापति है नहीं है? सब पति माने रोका पत्ता है, पति पति है। हाँ, मुखिया बन करके रक्षा किसकी करेगा? जबरदस्ती मुखिया बन के बैठेगा है? अरे जो अपने को पत्नी माने उसकी रक्षा करेगा, या दुश्मनी कर ले उसकी रक्षा करेगा? रक्षा किसकी करेगा? जो अपने को पत्नी माने उसकी रक्षा करेगा ना। तो माया ने प्रकृति को हाथ मिलाने के लिए कटिबद्ध कर लिया, हाथ मिला लिया। कौन सा हाथ? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया। तो ज्यादा पावरफुल हो गई कि कमजोर हो गई? ज्यादा पावरफुल हो गई। और जब प्रकृति तामसी रूप धारण करेगी, विकराल रूप धारण करेगी, तो जितने भी संसार में असुर हैं, मल्टी मिलियनायर्स हैं, क्या करते हैं वो? वो अपना पैसा ज्यादातर कहाँ लगाते हैं? हैं? हाँ, बड़े बड़े कल कारखाने बनाने में लगा रहे हैं, बहुमंजिली इमारतें बनाने में लगा रहे हैं। उनको सबको खात्मा कर देती है। तो माया इस तरीके से बाप के ऊपर विजय पाने की कोशिश करती है, लेकिन नर चाहत कछु और है, होवत है, होवत है कुछ और, ये चक्कर चलता है। आया समझ में? क्या समझ में आया? प्रश्न करने वाले से पूछा। अरे क्या समझ में आया है? अरे कुछ नहीं समझ में आया है? अरे प्रश्न क्या किया था, भूल गए? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो पवित्रता में ज्यादा पुरुष पाती है, पता है, तो वो दापर में जाकर जास्ती पवित्र होता है, जास्ती अधिकारी होता है। रुको। प्रकृति के ये जो पांच तत्व हैं, या प्रकृति से संबद्ध जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का सुख भोगने वाला कमजोर बनेगा या पावरफुल बनेगा? तो 21 जन्म देवात्माओं ने सुख भोग लिया इंद्रियों का, भले ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगा, तो भी कलाएं कम होती गई या स्थिर रही या कलाएं बढ़ गई? हैं?
कमजोर बने या पावरफुल बने? कमजोर बन गई ना, और ऊपर से जो आत्माएं आती हैं परमधाम से, वो परमधाम में पावरफुल आत्माएं होती हैं या कमजोर होती हैं? तो पावरफुल आत्माएं आई और कमजोर आत्माओं में प्रवेश किया। ऐसी कमजोर आत्माएं जिनको देवताओं ने संगम युग में अपने कंट्रोल में ले लिया था, रावण संप्रदाय से राम संप्रदाय बना लिया था, वो घर के बांती बन गए थे, वो बीज रूप आत्माएं धोखा दे गई। तो भारतवासी कमजोर बने या पावरफुल बने? कमजोर हो गए। और जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं उनकी संख्या थोड़ी है या दिन दूनी रात चौगुनी आती गई? दो राज्यों में युद्ध हो, एक राज्य छोटा है और दूसरा राज्य बड़ा है। जैसे मुसलमानों की सेना टंडी टिड्डी की मुआफिक बढ़ती थी, आक्रमण करती थी ढेर की ढेर संख्या में, और शिवाजी की सेना मुट्ठी भर। तो ऊपर से आने वाली आत्माओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और देवात्माओं की संख्या बहुत कम। तो कौन विजयी होगा? है ऊपर से आ रही है, कहां तक उनका मुकाबला करेंगे? कहां 500 करोड़ और कहां 9 लाख, 9 लाख में भी 4.5 लाख तो ऐसे हैं जो पढ़ाई पढ़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जल्दी बुद्धि में बात बैठती नहीं, एकदम बच्चा बुद्धि है। तो द्वापर युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों में भी द्वैतवाद आ जाता है। जैसे यज्ञ के आदि में द्वैतवाद आ गया, यज्ञ के अंदर कुछ आत्माओं ने प्रजापिता को स्वीकार कर लिया कि ये संघ के रंग से नई दुनिया पवित्र दुनिया स्थापन करने वाला है, बाकी जो दूसरे धर्म के थे उन्होंने बाहर की पब्लिक में विस्फोट करना शुरू कर दिया। क्या विस्फोट? क्या विस्फोट? अरे ये देखो, ये ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। तो ऐसा विस्फोट करने वालों ने बाप को पहचाना? क्या पहचाना? नहीं पहचाना। यहां तक के चंद्रवंशी आत्माएं और चंद्रवंशियों का जो मुखिया था वो तो झगड़ा शुरू होते ही एकदम रफू चक्कर हो गया, कराची में जाकर के बैठ गया चुपचाप, किसी को पता ही नहीं लगा कहां गया। तो रामकृष्ण की आत्माएं जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है, उनमें हीरोइन का पार्ट बजाने वाली की ये हालत हो जाए, घर के अंदर घरवाली भी विस्फोट कर दे, चलो विस्फोट तो नहीं किया लेकिन जैसे आदि में गुप्त हो गई, कौन? ब्रह्मा की आत्मा, आदि सो अंत एडवांस पार्टी में भी गुम हो गई। तो जो बाहर की दुनिया के लोग हैं वो क्या कहेंगे, इनके घर में सच्चाई है या झूठापन है? हैं? इनके घर में ही झूठ भरा पड़ा है, तब तो घरवाली भाग गई, सहयोगी भाग गई।
तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं थी यज्ञ के अंदर, उन्होंने बाहर दुष्प्रचार करना शुरू किया। उस दुष्प्रचार का ये रिजल्ट आया कि दो पार्टियां हो गईं, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। जो एंटी ओम मंडली वाले बाहर वाले थे, जिन्होंने कोर्ट में केस किए, वो कोर्ट के रिजल्ट आज भी मौजूद हैं, उनके फोटो दिए हुए हैं, सबके प्रूफ मिल रहे हैं। बड़े बड़े लखापति और करोड़पति लोग थे जिन्होंने प्रजापिता का विरोध किया। सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ हो गई, लेकिन उस समय ज्ञान का फोर्स नहीं था, क्योंकि ज्ञान अधूरा था। इसलिए रिजल्ट क्या निकला लड़ाई का, उसकी लाश को भी गुम कर दिया, राम फेल हो गया। अभी ज्ञान तो ये कहता है क्या, जो आदि में सो अंत में, आदि में फेल हो गया तो अंत में भी फेल होता है या नहीं होता है, है? फेल होता है, क्यों नहीं फेल हो सकता, क्योंकि अभी ज्ञान सूर्य उस मुकर्रर रथ के द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष हो जाता है, इसलिए फेल होने की बात ही नहीं। तो आदि में वो आत्मा जो सारी दुनिया एक तरफ और वो आत्मा एक एक तरफ, 76 में ही वैसे ही पार्ट बजाती है। क्या लौकिक परिवार वाले भी सारे विरोधी, लौकिक संबंधी भी सारे विरोधी, गांव वाले सारे विरोधी, समाज सारा ही विरोधी लौकिक दुनिया का, और ब्राह्मण परिवार वाले भी बेसिक में सारे विरोधी हो जाते हैं, और वो एक आत्मा एक तरफ हो जाती, न घर न घाट। व्यक्ति का जैसे प्रभाव होता है, व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी प्रभाव होता है या नहीं होता है। एक आदमी हो खोंचा बेचने वाला, ले पेड़ा ले लड्डू, गांव गांव गली गली घूमता फिरता है, वो ज्यादा कमाई करेगा, या जो दुकान खोल के बैठ जाता है, सच्चे लड्डू और पेड़ा और जलेबी बेचता है असली घी के, उसका प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा, है? है। तो आदि में न दुकान न घर न बार, जैसे यज्ञ के आदि में सन 36 से लेकर के मृत्यु पर्यंत 5-7 साल संघर्ष होता रहा ओम मंडली और एंटी ओम मंडली में, ऐसे ही आदि सो अंत भी होता है। 75-76 से लेकर के 82-83 तक, जब तक 83 है तो 13 होना चाहिए कोई, जब तक कोई पहले अव्वल नंबर में कन्या सरेंडर नहीं होती तब तक एक है या दो है, एक ही था, और अकेले ही मुकाबला करना पड़ता है। आज की बात दूसरी थी, उस समय तो ज्ञान नहीं था, अनिश्चय बुद्धि हो गए, तो अनिश्चय बुद्धि
विजयते कि मरते, मर गया। और अभी अभी तो ज्ञान के फोर्स से अनिश्चय होने की बात ही नहीं, तो निश्चय बुद्धि विजयते। इसलिए झंडे में या तीन शोरों की या शोक की लाट में क्या लिखा होता है, हैं? सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। और सत्य अभी तीन प्रकार से बताया, एक वो है जो अपोजिशन ही अपोजिशन करते रहते, दूसरे वो हैं स्वीकार भी कर लेते लेकिन फिर बुद्धि घूम जाती है, फिर अपोजिशन करते, और तीसरे अव्वल नंबर वो हैं एक बार पक्का कर लिया तो कर लिया, फाइनल परीक्षा तक वो सच्चाई का साथ देते हैं। इसलिए तीन प्रकार के पतंगे बताए, क्या आकर के चक्कर काट के भाग जाते हैं तो भाग गए, दूसरे आते हैं चक्कर काट के भागते हैं, मूछ जल गई, टांग जल गई, हाथ जल गया, भाग गए, फिर आते हैं फिर चक्कर काटते फिर भागते, आते जाते आते जाते। और एक तीसरे वो हैं आए और सरेंडर हो गए तो हो गए, माया की फाइनल परीक्षा तक साथ निभाने वाले, जो तीन प्रकार के बच्चे आज बताए। तो सत्यमेव जयते कौन हुए, जो अंत तक सच्चाई का साथ निभाते हैं, ऐसे हैं वो शेरों की औलाद। लेकिन वहां तीन शेर दिखा दिए, लेकिन तीन शेरों में भी एक ही कोई होगा या तीनों होंगे, एक ही होता है। और वो मुरली में बता दिया, एक शेर है एक बकरी है एक घोड़ा, इसलिए लिखा सत्यमेव जयते। ओम शांति।